everybody is concerned about their income and about several streams of revenue. Kya ye possible hai aaj ki maujooda economy mein? Because young people are looking for more avenues, and of course 2023 mein sabne kaha ki jis thoda sa disconnect karte hain outside noise se, let's go inwards aur apne andar jo talent maujood hai ya hamare paas jo resources maujood hain, aaiye dekhte hain unka hum kaise fayda utha sakte hain. So I have a very dear friend who we know very well, has an influence and a wonderful following online. और इन्होंने अपना जो तरीका है वो काफी मुख्तलिफ रखा है, एंड परहैप्स ही विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ यू नो इनसाइट एंड एडवाइस अबाउट हाउ यंग पीपल कैन फॉलो अ सिमिलर रूट एंड कैन बी अर्निंग मोर रेवेन्यू एंड इंक्रीजिंग देयर इनकम. हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल हसन, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल. अस्सलाम वालेकुम सदा. क्या हाल चाल है आपके? फ्रॉम द वेरी कोल्ड इस्लामाबाद, इट्स ग्रेट टू सी यू हेयर इन कराची. थैंक यू. ऑनलाइन हम आपको देखते रहते हैं मुख्तलिफ कॉन्वर्जेशंस करते हुए. अभी हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे. What is your outlook? Do you think 2023 is going to be a year of optimism, hope, or you're thinking it's going to be shaky? I think आपने जो बात की है वो I would agree to that, कि it is going to be shaky. Obviously not just within Pakistan, it's a global phenomena. And you know it seems like we are going towards a sort of a recession time. ठीक है. But जो important बात आपने की थी वो ये की थी कि this is the time for a lot of young people to stop looking outward at the noise. क्योंकि generally मेरा अपना तर्ज ये होता है कि जिस चीज के ऊपर आपको control नहीं होता ना उसके ऊपर परेशान होके और anxiety लेके फायदा कोई नहीं. बिल्कुल. तो it's really good to look inwards and figure out कि अच्छा मेरा किन चीजों पर control है और मैं कौन सी ऐसी फाउंडेशनल बेसिस बिल्ड कर सकता हूँ अगले आने वाले साल के अंदर जो कि शायद अगले 10 साल अगले 15 साल मेरी पूरी जिंदगी में एक चेंज लेकर आ सके एंड क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वुड वांट. एब्सोल्युटली. अच्छा, यू स्टार्टेड ऑफ विद कंटेंट क्रिएशन, यू हैव क्रिएटेड अ सर्टेन नीश एंड अ फोर्टे फॉर योरसेल्फ. मुझे ये बताओ कि डिजिटल लाइफस्टाइल एंड द वेरियस रिसोर्सेज, स्पेशली अगर मैं जैज की बात करूं, हाउ हैज इट हेल्प्ड यू इन योर जर्नी? So अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूं, what I do today is very very different. For most part, you know, even मेरे अपने followers मुझे message करते हैं कि मुजम्मिल भाई आप जो कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी चीज है, बट आप पैसे किस तरह कमाते हैं? How do you monetize it? अच्छा, लोगों के जहन में ये सवाल है, बिकॉज यू नो यू क्रिएट मीनिंगफुल कॉन्टेंट एज आई नो यू, लेकिन साथ साथ कई लोगों का ख्याल है कि या तो वो चीजें वायरल होनी चाहिए या कोई ब्रांड आपको सपोर्ट करे. हाउ डू यू एक्चुअली मेक मनी? वी आर ऑल वंडरिंग. या सो आई मीन देखें, बड़ी सिंपल सी इंडस्ट्री, बड़ी सिंपल है. जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है मीडिया की, जहां पर जितनी आई बॉल्स होंगी उसके हिसाब से आपको उसके पैसे मिलेंगे. अलबत्ता इसमें ये बात जरूर है कि लोगों को ये गलत फहमी है कि जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. इम्पैक्ट पे होता है कि काफी दफा इस तरह होता है कि बहुत ज्यादा चीज वायरल हुई होती है लेकिन वो वन ऑफ होती है या उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता. और बहुत दफा ऐसे होता है कि चीज बहुत डेडिकेटेड ऑडियंस के पास जाती है लेकिन वो जो नीश ऑडियंस है उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. तो उसके ऊपर चीजों को बेहतर तरीके से एडवर्टाइज किया जा सकता है. एंड काफी दफा मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा मीडिया कंपनी चल रही है, और हालांकि मैं कोई मास मार्केट व्यूअरशिप नहीं टारगेट कर रहा, मैं बहुत एक डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव व्यूअरशिप टारगेट कर रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मेकिंग गुड रेवेन्यू. सो मनी इस इंडस्ट्री में बनाई जा सकती है. मैं जो पहले जिस तरह कह रहा था कि इफ आई गो बैक अ लिटिल, मेरा एजुकेशन कंप्यूटर साइंस की है. मेरा जो जनरल पाथवे था वो ये था कि ग्रेजुएट करूंगा, एक जॉब कर लूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट परसू किया अपना रोल, क्योंकि इंटरनेट था, डिजिटल कमाई का मौका मिला, और उसके ऊपर फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी ली. अच्छा, मुझे जो एक चीज आई वांटेड टू प्लग इन दिस गैप, मुजम्मिल, मुझे ऐसा लगता है अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दिस लाइफस्टाइल वेयर दे वुड वांट लेस स्ट्रक्चर, मोर फ्रीडम, मोर इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू डिजाइन देयर ओन स्केड्यूल्स. लेकिन इसको कभी कभार हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स लैक ऑफ डिसिप्लिन के तौर पर भी देख रहे होते हैं. अब जैसे हम कितने लोगों को देखते हैं हु वी फील आर टैलेंटेड, दे क्रिएट ग्रेट कॉन्टेंट, बट दे डोंट स्टे कंसिस्टेंट. तो तुम कंसिस्टेंसी के बारे में क्या कहोगे? आई थिंक कंसिस्टेंसी इन एनीथिंग इन द वर्ल्ड आई थिंक इज इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट. वही वाली आपने बड़ा अच्छा उसको आइडेंटिफाई किया कि इट्स वेरी इजी, इट्स अ फाइन लाइन between being a free bird, between being a freelancer, and between being sloppy, right? Yes. कि आप जो है वो अपने हिसाब से आप सोच रहे हैं मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, मैं वो हूँ, बट यू आर प्रोक्रेस्टिनेट. Yes. आप लेजी हो रहे हैं. कंसिस्टेंसी इज इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट. आई मीन मुझे 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में. काफी लोगों को देख के लगता है कि यार अच्छा 2 साल इसने पॉडकास्ट स्टार्ट की और ये सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं है. यू नो देयर वाज अ लॉट दैट हैपेंड, जिसके बाद पूरी वो जर्नी है. बट ये कि जनरली अगर मैं कहूं तो ऑब्वियसली जो आपने वर्ड यूज किया फ्री बर्ड, बीइंग एबल टू चूज योर ओन स्केड्यूल, बीइंग एबल टू चूज कि जो आप काम कर रहे हैं वो कौन सा काम है,
ऑब्वियसली उसी को फ्रीलांस कहते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आप एक फ्रीलांसर हैं, देन यू नेवर क्लॉक आउट. आपको ये पता है ना कि बाकी जगह तो आप सुबह 9 बजे गए, 5 नहीं तो चलो 8 बजे आपने दुकान बंद की, आप चले गए. जब आप अपना काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, खासतौर पर डिजिटल बात कर रहे होते हैं, देन यू ऑलवेज ऑन द गो. मुज़म्मिल, डज अ प्रेशर गेट टू यू एट टाइम्स? बिकॉज मुझे लगता है कि when I compare it to mainstream television, there's a roster, right? I can do my show for 2 hours, but also because I'm in the same space, मुझे लगता है digital में pressure बहुत है कि अभी event हुआ, foreign update डालनी है within an hour. If it's later than an hour, then you're too late to the party. Yeah. I think क्योंकि maybe I've grown into it. Yeah. Maybe I was one of those generations जिसने digital को at a very young age. I mean, I was 8 years old when I got my access to the first computer in 98 aur usko dial up internet se start kiya. To as such uska I think itna pressure nahi hai. Jis cheez ka zyada pressure hai wo feedback ka hai. It's the constant feedback loop. Jo ki aapko aap television pe hote na to aapko there's still a distance aapko thoda time lagta hai ratings ka pata karne mein, logon ki conversation ka feedback ka pata karne mein. यहाँ पर एक पॉडकास्ट 10 बजे अपलोड होती है और 10:15 के ऊपर कमेंट सेक्शन भरा हुआ होता है. इधर देयर प्रेजिंग यू और देयर मतलब वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी को, अपनी थॉट. यू आर लकी योर अ मैन, यू नो, फॉर अ वुमन, नो मैटर व्हाट कम्स आउट ऑफ माय माउथ, पहली चीज कमेंट आती है मेरे कपड़ों पर, मेरे मेकअप पे, कि आप ऐसी लग रही थी, आप बहुत अच्छी लग रही. मैंने कहा जो मैं बात कर रही हूँ वो कोई सुन क्यों नहीं रहा है? बट टेल मी समथिंग, बिकॉज यू हैव ग्रोन इन द लास्ट 2 ईयर्स और हम यंगस्टर्स को यही कह रहे हैं डिजिटल. आई लव द फैक्ट कि एंट्री बैरियर नहीं है. मुज़म्मिल, अगर आपके पास एक अच्छा डिसेंट स्मार्टफोन है और उसके साथ एक कैमरा है, यू कैन मे बी स्टार्ट डूइंग वीडियोस. यू नाउ हैव बैंकिंग टूल्स, यू हैव फाइनेंशियल टूल्स, तो आपके लिए चीजों को स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है. लेकिन विद इन 2 ईयर्स एज यू हैव अपग्रेडेड, तुमने जैसे कहा कि यू आर रनिंग योर ओन मीडिया हाउस, व्हाट वुड यू टेल पीपल, हाउ शुड दे बजट? पहले वो यकीनन लोगों के पास जाते हैं कि अगर कॉन्टेंट कोई क्रिएट कर रहा है, कैमरा ऑन हायर, लाइट्स ऑन हायर, एडिटर ऑन हायर, बट वुड यू रेकमेंड that they do it all in house, they learn the skills? I think obviously it depends on the scale and aap kis noiyat ka kaam kar rahe hain. For a lot of people I don't recommend ke wo agar start kar rahe hain is industry mein to wo zyada cost lagana shuru kare. Resource intensive now kyunki pressure padega na. Aapki cost aa rahi hogi to aapke upar pressure pad raha hai to perform, to earn. मेरा ये होता है कि आपको कभी भी अपने आप को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं प्रेशर उतना इंपॉर्टेंट है. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू कांट अफोर्ड इट, स्टार्ट विद अ स्मार्टफोन. स्मार्टफोन शूट भी कर सकता है, स्मार्टफोन एडिट भी कर सकता है. और अब इतने सारे फ्री एप्स हैं आपके पास कैनवा है, इनशॉट है, दैट कैन गेट यू स्टार्टेड. अच्छा, मुझे ये बताओ कि समहाउ वी हैव जस्ट फोकस्ड ऑन कॉन्टेंट क्रिएशन, बट जैसे कि हम कह रहे हैं कि नाउ फॉर यंगस्टर्स ऑल ओवर, स्पेशली किड्स हु आर इन ग्रेट स्कूल, coding is an essential and you're a computer graduate yourself. How would you emphasize that? Wo kitna bada avenue khol sakta hai freelancing ka? I think the most important avenue, agar hum baat kare coding overall and then aage AI ka time aa raha hai, design thinking. I mean if somebody can just come up with the right kind of solution. Absolutely. So within the hardcore technical skills bhi aage wali duniya ke andar there are potential. Abhi baat ho rahi thi again economy ki. Pakistan right now has a $2 billion IT export market. India has $150 billion IT export market. Absolutely. अगर आप देखें तो उसके अंदर इंडिया ने हमसे तकरीबन 20-25 साल पहले इस स्पेस के अंदर वो घुस गए थे. हमारे लिए भी हम लेट नहीं है क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारी इनोवेशन आ रही है. अभी भी अगर हमारे नौजवान जो है वो इस साइड पे आना शुरू हो तो देर इज एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी. ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं. एक्सपोर्ट की मद में डॉलर कमाया जा सकता है. बट इसमें ये भी समझना जरूरी है क्योंकि जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना तो बहुत सारे लोग देखने वाले शायद कहेंगे कि यार ये तो शायद बहुत कोई डिफिकल्ट चीज है. कोडिंग कौन सीखेगा, क्या होगा? देखिए, फ्रीलांस एक ओपन एंडेड स्पेस है जहां पर आप हर किस्म का काम कर सकते हैं. आप कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं. आजकल तो ऐसा भी आ गया है कि अमेरिका में लोग बैठे हैं और उन्होंने पर्सनल शॉपर्स ले लिए. Absolutely. पाकिस्तान से बंदा बैठ के उनके अमेज़न की शॉपिंग कर रहा है. देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट. आइदर यू हैव हार्डकोर डिजिटल स्किल्स, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप उसके अंदर कोडिंग आ जाती है, AI आ जाता है, रोबोटिक्स आ जाते हैं, एनीथिंग दैट यू कैन एक्चुअली पिक अ पीस ऑफ दैट. इनफैक्ट ग्राफिक्स, हमारे यहाँ एक्सलेंट ग्राफिक्स डिजाइनर्स आर देयर और वो हॉलीवुड प्रोडक्शन और बाकी प्रोडक्शन के लिए दे आर डूइंग द डिटेलिंग ओवर देयर. एक तरीका ये. दूसरा तरीका ये है कि जो भी स्किल आपके पास है आप उसको डिजिटाइज कर दें. इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल ये है कि फॉर
एग्जाम्पल अगर मुजम्मिल का एक्सपर्टीज है या ही फील्स इंक्लाइंड टूवर्ड्स कमेंटिंग ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमी ऑन कनेक्टिंग विद कॉर्पोरेट सो ही इज क्रिएटेड कॉन्टेंट अराउंड दैट. लेकिन अगर आप एक फोटोग्राफर हैं एक फैशन डिजाइनर हैं यू कैन बी फॉर हायर यू कैन टेक अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट एट विल by being in the online space. Absolutely. जैसे हम travel करते हैं मुजम्मिल मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ you can get a photographer to take excellent touristy pictures for you, right? Yeah. And that's all digital. Absolutely. And I think what's really changed over the last few years is मुझे याद है growing up वो time था जब broadband internet का time था किसी को भी internet अगर लगवाना है तो एक physical wire आपके घर तक आएगी और उसकी वजह से बहुत एक छोटा segment था पाकिस्तान का जिनको access मिल सकता था internet का. अब विद जय सुपर 4G फॉर एग्जाम्पल मैं खुद उनका कनेक्शन यूज करता हूँ इट्स क्रेजी फास्ट एंड मैं जानता हूँ ऐसे फ्रीलांसर्स को जो कि बलूचिस्तान में बड़े रिमोट एरियाज में बैठकर यू नो थाउजेंड डॉलर्स कमा रहे हैं ऐसी जगह पे जहां पे उनकी अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी वॉज 10-12 हज़ार रुपए महीने के वहां पे वो लाखों रुपए कमाकर यू नो अपना और अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं. सो जो आपको मोबाइल ब्रॉडबैंड मिल चुका है उसके अंदर अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑनलाइन और वो बहुत रैंडम चीजें कर रहे होते हैं. मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट इज एन इनक्रेडिबल गेटवे टू अपग्रेड योर लाइफ एंड इट्स एन इक्वलाइजर. अगर आप समझते हो कि आप पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं किसी छोटे कस्बे या शहर में हैं और आपके पास वो मौके नहीं है जो मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद लाहौर कराची में मिल सकते हैं यूथ को देन जैज 4G व्हेन इट ओपन्स अप द गेटवे टू ब्रॉडबैंड इंटरनेट यू कैन बी इन द गेम एज वेल. दैट इज वाई वी से. और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं बिल्कुल तुम्हारी तरह मुजम्मिल आई वॉज डूइंग एन ऑनलाइन कोर्स और मुझे लगता था कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन डॉजी नहीं हो सकता क्योंकि मेरी 12 घंटे की class and I need to be connected and that's where Jazz 4G was a lifesaver. So please use this. Ek cheez hota hai na hum kehte hain hamesha jaise ek knife hai aap usse sev bhi kaat sakte hain aap kisi ka gala bhi kaat sakte hain. So use it for purposeful things. Absolutely. My last question to you would be because you're in the space of creating meaningful content Muzammil how real is the struggle. Hamare yahan log kehte hain ki jo meaningless cheeze hoti hai frivolous cheeze hoti hain fad ki tarah aati hain aur unke sath compete karna usi cluttered space mein bahut mushkil hai. What would you say to that? आई थिंक देखें एक ओपन एंडेड इंडस्ट्री है. मैं जनरली आई एम नॉट अपोज टू मीनिंगलेस थिंग्स. आई थिंक हर चीज की एक स्पेस होती है उसकी एक अपनी मार्केट है मेरे कॉन्टेंट की एक अपनी मार्केट है. बड़ा इंपॉर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंस रखना इस चीज के अंदर कि देर आर सर्टन पीपल आउट देयर हु आर लुकिंग फॉर यू लुकिंग एट यू एंड फॉर योर कॉन्टेंट. मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोबाइल फोन की मार्केट सबसे आसान तशबीह है इसके लिए. जहां पर आपका एप्पल भी बिक रहा है आईफोन भी बिक रहा है वहां पर आपके बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी वेंडर्स भी बिक रहे हैं उसकी भी ऑडियंस है इसकी भी ऑडियंस है या उसकी भी रिक्वायरमेंट है. I was actually you know the push button phones are also selling. Absolutely. जिसको लगता था कि they are done and dusted with even they are selling. Yes, so you're absolutely right there will be a market for almost everything. It's about owning your niche and owning your positioning. मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगा because you know I'm part of a campaign with Jazz and we're talking about freelancers. We're doing a competition you know Jazz Freelance Hunt and you know we'd love to hear stories from freelancers because I know so many freelancers jinhone apni zindagiyan badli hain through freelancing and you know if the audience is someone jinhone apni zindagi badli hai through freelancing they can go to the Jazz pages on socials and they can share their stories with the world. But is it just about sharing stories or will you help them scale up? So you know the winners will definitely be aided by Jazz on sharing their story with the world and helping them also with connecting and scaling up as well. So super. You know I would love for freelancers to participate. Is there a deadline to it? Yeah, so over the next 4 or 5 days they can comment and then on the 5th of January inshallah me and two other jury members are going to be giving out the final winners. Super. So you have the closing, you know, if you want to really close 2022 at a high note and you are a freelancer do so by sharing your story with Jazz 4G and Muzammil and his team is going to be picking out the best stories and they'll get an opportunity to scale up and let the world know their story. Bahut shukriya Muzammil. Thank you.